सकते हो, तो आप वन साइड ही देख सकते हैं एफएस के बाबा ने किस तरीके से वो फाइट निकाला। बट नियो भी इस वाली फाइट में आएंगे, ऑफ डेल्स का किल कंफर्म करेंगे, यू हाई ने भी वो फाइट अभी भी निकाला। बट रीप्ले आप देख सकते हैं, बाबा ने पहले M416 से पहले फाइट ली एंड जब उनको लगा कि अब मेरी मैगजीन खत्म हो रही है, फिर वहां पे उन्होंने राइजन को शॉट्स लेने शुरू करें। वहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट थी, DP28 उन्होंने स्विच करी, विच वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास अगर 10 गोलियां बचती है, आप मैक्सिमम एक प्लेयर नॉकडाउन कर सकते हो। स्विचिंग इज फास्टर देन रीलोडिंग, और बाबा ने इसका एक अच्छा एग्जांपल यहां पर दिया है, BTR को एलिमिनेट करके, वो भी इतने बेहतरीन तरीके से। आई वुड से दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी फाइट जो कि यहां पर फ्रीस्टाइल ने ली और अपना मोमेंटम बढ़ाने के लिए, बिकॉज हम हमेशा ये कहते थे कि फ्रीस्टाइल प्रिडिक्टेबल हो जाती है या फिर वो फाइनल सर्कल्स में दिखती है। दिस इज काइंड ऑफ गेव आंसर्स टू ऑल दोस थिंग्स कि हम फाइट भी जब लेते तो अच्छे तरीके इंपैक्टफुल फाइट लेते, और BTR के अगेंस्ट काफी बेहतरीन यहां पर निकाल। लेकिन अब फ्रीस्टाइल के पास एक चुनौती है, वो है सर्कल में जाना जहां वेल्डर और ऑरेंज चौक जरूर रहेगी। नीचे आप देखिए सेल्स के प्लेयर्स हैं, नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स बचे जरूर हैं बट कम अमाउंट में बचे हैं। RRQ के प्लेयर्स मीनवाइल सर्कल के अंदर आना वो भी चाहते हैं, लेकिन इस एरिया में देखिए आपको तीन टीम्स यहां पर दिखेंगे, गैलेक्सी रेसर, सेल्स, नोवा गॉडलाइक और नो चांस के KOS। बिल्कुल, अभी गैलेक्सी रेसर के अल्ट्रॉन जरूर ट्राई करेंगे, नोवा गॉडलाइक के जो प्लेयर्स अभी बाउंड्री पे रुके जरूर है, उनके पास कवर है। बट इसी चीज की मैं बात कर रहा, जब MJ को आपने एक स्प्लिट भेजा था वो अभी भी एक स्प्लिट में, बिकॉज आपको टाइम ही नहीं मिलता, आप जब यहां पे पूरा सराउंड हो जाते हो तब आप ओपन में जा ही नहीं सकते कुछ भी करके। बट अभी आप देख सकते हैं नो चांस के KDS नीचे क्राउच करके बैठे, जरूर कोई फुटसेट नहीं कोशिश नहीं कर, बट D2E के ऊपर ग्रेनेड आया था, ये वाज 20 HP ओवर देयर, बट यू लेवल अप का स्क्वाड फॉर श्योर इस वाली फाइट को निकालने की कोशिश करें। बहुत ही प्यारा यू टर्न वाला रोड है जहां पे दो तीन तरीके के रिजेस हैं, जहां पे RRQ के प्लेयर्स हैं, एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, बट यहां पे यू लेवल अप के चक्सन का जो एक जैसे पोजीशनिंग है बहुत ही प्यारी थी, G9 को भी नॉकडाउन करा जाएगा। नोवा गॉडलाइक एलिमिनेट हो गया, एक वापस से निराशाजनक परफॉर्मेंस उनके तरफ से। बट D2E अब देखते हैं राइट साइड से फ्लैंक जरूर आ रहा है, चक्शन ही वांट टू क्लोज इन, बट D2E अब देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट को होल्ड इन कर पाते, उनको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से एक प्लेयर आ रहा है उनके, बट चक्सिन वांट टू विन दिस वन। दिस इज द सेम एरिया जहां पर यू लेवल ने BTR को एलिमिनेट किया था, अब यहां पर वो आ रहा क्योंकि किस फाइट लेने की, D2E यहां पर अकेले फाइट लेने की कोशिश किया, बट यू लेवल ऑफ वंस अगेन इस एरिया के गॉड्स बनते हुए, पहले BTR थे एक बार, इस बार RRQ, एक बेहतरीन फाइट निकालने की अच्छी कोशिश। सेल्स के MJ जिस कंपाउंड में, उसी के नीचे KOS उसी कंपाउंड में बैठे, तो उनके लिए मुश्किलें बन सकती है। दोनों प्लेयर्स ने फ्री सेल के फुटरूट से यहां पर डाउन हो चुके हैं, ऑरेंज चौक के वीरू के द्वारा स्काउट उनको फिनिश ऑफ जरूर करना चाहेंगे। रॉक्स वहां पर जा रहे हैं FS के मालिक, फ्री स्टाइल एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम के साथ यहां पर गेम्स अपनी बनाती है, ऑरेंज चौक के प्लेयर्स हैं जरूर यहां पर, लेकिन वही वो भी सर्कल के एज पर है, उनको आगे पेड़ तक जाना पड़ेगा और उनको सर्कल के अंदर अपना मार्क एक तरीके से सेटअप करना है। तो बिल्कुल वेल्डर्स का स्क्वाड एक अच्छी मूवमेंट डालता, अब देखते हैं किस तरीके से वो लोग सेंटर में जाएंगे। बट FS के बाबा नॉकडाउन होंगे, क्लच गॉड के द्वारा मिनी 14 चलाई जा रही है, मलिक के पास किल कंफर्मेशन और रॉक्स का रिस्क चलते गैलेक्सी रेसर सेल्स एलिमिनेट हो चुके हैं टॉप 10 के अंदर आने के बाद। क्लच गॉड भी अपनी मिनी 14 बिल्कुल ही रोकना चाहते, बिकॉज काशुप भी नॉकडाउन का, मलिक भी बहुत ज्यादा ओपन में है एंड जोन का डिसएडवांटेज भी फॉर श्योर उनको पड़ेगा। ऑरेंज रॉकेट वीरू ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करें, क्या मलिक वहां पर नॉकडाउन हो जाएगा, बिकॉज वीरू का ग्रेनेड बिल्कुल नहीं ऊपर आता है, एक्जैक्टली वहीं पे उसी ग्रेनेड के ऊपर वॉक इन करता है, जिसके चलते फ्रीस्टाइल का जो स्क्वाड वो एलिमिनेट होगा। बट सामने से भी एक ग्रेनेड आया जरूर था मलिक का, बट वो कुछ डैमेज देखेगा। बट अब देखते हैं ऑरेंज रॉकेट और थ्री मैन स्क्वाड खेलता हुआ नजर आ रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप एक या दो बचते हो, हम लोगों ने सेम सिचुएशन ऑरेंज रॉक के साथ देखी हुई, दे गॉट बैक स्टेप बहुत बार, बट अभी उन्होंने अपनी बैक क्लियर करी, अब देखते हैं अगले जोन में किस तरीके जाएंगे। बट सामने वेल्डर्स का स्क्वाड फॉर श्योर वेलकम कर रहा होगा यूडू के फ्रेडो के लिए, यूडू के प्लेयर्स को अब ये फाइट निकाल ली, उनको बताइए गेम उनका बन सकता है। यूडू के प्लेयर्स जो पिछला एक हफ्ता उन्होंने खोया है, यहां पर सब कुछ पाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यूडू के प्लेयर्स तैयार है, वेल्डर्स के प्लेयर्स, यू लेवल अप के प्लेयर्स, सारे एरियाज रहेंगे सर्कल्स के लिए, लेकिन सर्कल के अंदर की फाइट कौन सी टीम लेकर जाएगी वो एक सवाल बनेगा। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को भी सर्कल में जाना, सर्कल में एक टीम इनका वेट कर रही है, सब टीम्स का TS एंटिटी इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, नियो ग्रेनेड से मेगा के स्वैग को पिकअप करेंगे, यहां पर नियो के ऊपर भी शॉट्स नहीं कोशिश थी मावी की, लेकिन अब सर्कल की फाइट अपनी तरफ खींचना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूडू के ड्रैक्स को देखिए धीरे-धीरे बैंडेजेस लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर जॉनथन आएंगे और स्वैग को फिनिश ऑफ कर देंगे इस फाइट के अंदर। बिल्कुल मेगा के स्वैग भी फिनिश हो चुके हैं, अब जोन की जो फाइट है वो TS एंटिटी के ऊपर आ चुकी है, अब देखते हैं उनके राइट साइड मेगा स्टार्स के बाकी भी प्लेयर आने की कोशिश करेंगे, अब देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट लेके TSM एंटिटी के प्लेयर्स 15 पॉइंट लेके बैठे हुए, दैट मींस 15 किल्स TSM एंटिटी के प्लेयर लेके बैठे हुए, तीन टीमें हैं जिंदा जिनके चारों प्लेयर जिंदा, आप देखते हैं किस वाली फाइट निकलेगी। यूडी के फ्रेडो नॉकडाउन के आमतौर के द्वारा वेल्ड मौत भी नॉकडाउन करेंगे, मैन परांग को रिटायरेशन फायर देख रहे हो जरूर मिला, बट एट द एंड वेल्डर्स का स्क्वाड यहाँ पे निकाल के जाएगा यूडू गैंग के प्लेयर्स को, बिकॉज आखिर में बर्स्ट डाउन हुए थे जरूर, बट बेलमाउथ को भी नॉकडाउन करा यू लेवल अप के विंटर ने, बट एनकोर ने सामने क्लच गॉड का नॉकडाउन करा, जी गॉड का एक ग्रेनेड जाएगा, वेक्सी को पूरा फिनिश करेगा, एनकोर भी नॉकडाउन होगा उसी एक ओपी ग्रेनेड के द्वारा, जॉनथन की DP28 रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऑरेंज रॉक के मावी भी पूरे फिनिश हो जाएंगे। TSM एंटिटी के तीन प्लेयर अभी भी जिंदा है, वो जोश
के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। टॉप फाइव टीम्स हमारे सामने, जितना 15 प्लेयर्स है, देखते हैं कौन सी टीम निकाल के जगह वाला मैच। दिग्गज टीम्स यहां पर बचती हुई, चार टीमें बची, इन सबके बीच में आप देखिए जोनाथन वहां पर रिवाइवल के लिए एक तरीके से बैठे हुए, यू लेवल के प्लेयर्स, वाइल्डर्स के प्लेयर्स के साथ एक अलग फाइट ले रहे हैं। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को अपना किल्स का खाता भी खोलना है, बट TSMNTT 18 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं। मेगा स्टार्स 0 किल के साथ एलिमिनेट यहां पर हो रहे हैं, बट TSMNTT जो चीज यहां पर स्टार्ट हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्लच गॉड है जोनाथन, एक स्मोक का कवर है, वाइल्डर्स के प्लेयर्स बीच में, यू लेवल अप के प्लेयर्स अगर फाइट लेना चाहे, 10 लोग जीवित और 3 टीम्स यहां पर बची हुई है। फॉर श्योर TSMNTT का स्क्वाड एक स्प्लिट में जरूर आप देखते हैं किस तरीके से चारों प्लेयर जिंदा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा। बट यू लेवल अप के पास भी चार प्लेयर्स हैं, बट वाइल्डर्स के प्लेयर सैंडविच पोजीशन में जरूर, बट दो प्लेयर उनके पास, देखते हैं किस तरीके निकाले। बट TSMNTT दे डोंट वांट टू स्टॉप ओवर हियर बिकॉज 19 किल्स है अब सामने उनके पास, और भी देखते किस तरीके वो लोग खेलने निकाले बिकॉज 6 प्लेयर्स है। ग्रेनेड जरूर आ रहे हैं वाइल्डर्स के साइड से, बट देखते किस तरह वाली फाइट अनफोल्ड होगी बिकॉज पहले यू लेवल अप वर्सेज वाइल्डर्स होता हुआ नजर आकर आई विल बी सरप्राइज बिकॉज TSMNTT अगर फाइट पहले आती है तो फिर दे आर गोइंग जस्ट टू मच एग्रेसिव। बट सामने मार्टिन का ग्रेनेड जरूर आएगा, बट क्लच गॉड थोड़ा सा दूर चले गए, बट अभी चक्सन नॉक डाउन करेंगे मार्टिन को, चक्सन भी नॉक डाउन हो जाएंगे, बट गोडार्ड का एक बहुत ही प्यारा रिटेलिएशन फायर, उसी के चलते वाइल्डर्स द मर्डरर विल गेट एलिमिनेटेड। टॉप 2 टीम्स आर अलाइव, 4 वर्सेस 4 की फाइट है, रिवाइवल पोजीशन में जरूर है, वहां पे यू लेवल के प्लेयर्स, कोई भी फिनिश नहीं होगा। स्प्लिट यहां पे मैं देख के थोड़ा सा चंबित हूं बिकॉज TSMNTT का स्क्वाड कभी भी इतना स्प्लिट नहीं होता, बट जोनाथन ने ओपनिंग निकाल लिया यहां पे, कमाओ को नॉक डाउन कर दिया है क्लच गॉड। अगर वो तुरप का इक्का बन के आखिरी में आते हैं तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर बनेगा, बट जोनाथन ही इज 1 HP, क्या जोन का डिसएडवांटेज उन्हें रहेगा कि नहीं, क्लच गॉड पूरा फिनिश करेंगे कमाओ को। TSMNTT आगे मूव कर रही है चिकन डिनर के लिए, ये अच्छे खासे 23 स्किल्स यहां पर चिकन डिनर कर सकती है, 24 इज द रिकॉर्ड फॉर एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। TSMNTT ऑलरेडी उसके ऊपर सी गॉड आगे आ चुके हैं, 23 प्लस आर नॉट एट ऑल स्टॉपिंग, बट सी गॉड को डाउन किया, चक्षण यहां पर बचे जरूर है, बट ही विल बी टेकन डाउन, सी गॉड को डाउन किया जा चुका है, विंटर भी बचे हुए, विंटर और चक्षण की जोड़ी क्लच गॉड को डाउन कर चुकी है, TSMNTT मुश्किलों में आ चुके हैं, बट चक्षण की हेल्थ आप देखिए बहुत कम है, नियो भी डाउन हो चुके हैं, जोनाथन अकेले प्लेयर बचे, क्या जोनाथन यहां पर फाइट निकाल पाएंगे, जोनाथन स्पॉट्स वन बट almost वहां पर फाइट निकालने की कोशिश थी, बट यू लेवल अप मैन, दैट वाज अमेजिंग। TSMNTT का जो स्क्वाड था, सी गॉड ने जो इंडिविजुअली पुश करा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहीं पे उन्होंने गलती कर, तीनों प्लेयर इकट्ठे आते तो फिर 2 vs 3 का सिचुएशन बनता, बट दैट वॉज अ गुड गेम बाय टॉप 3 टीम्स, वाइल्डर्स ने भी अपना पूरा 100% दिया, दिस वॉज अ ग्रेट स्टार्ट टू द डे, दिस वॉज अमेजिंग। आई मीन TSMNTT अगली अपडेट में इनको नर्फ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग बहुत ओपी जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ओपी जाते हैं। बट यू लेवल अप अब उससे उनके प्लेयर्स उस एरिया पर थे जहां पर उनका एक अच्छा खासा कंपोजर था, TSMNTT पुश अच्छा, लेकिन जब जी गॉड अकेले एकदम से निकले वो एक थोड़ा सा बिकॉज यू नो वो हवा में थे तो उसके कारण उनकी नॉक्स एंड ऑल हुए, वो थोड़ी सी मुश्किल, अदरवाइज TSMNTT अगर वो 24 से ज्यादा किल्स करते दैट वुड हैव बीन द हाईएस्ट। मेरे को देखना है कि यू लेवल अप के कितने किल्स होते हैं, बिकॉज अगर अब उनके मान लो कि 10